जय। यस प्लीज प्लीज योर प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग। शांति से सुनो भाई, शांति से सुनिए। इस कोलाहल के बाद अगर सदन मुझे शांति से सुनने के लिए मन बना सके तो मैं बड़ा आभारी हूंगा। कम ऑन। यस मेरे प्रस्ताव चर्चा में जिन्होंने भाग लिया है मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये सदन चर्चा के लिए है, जरूर शांतिपूर्ण चर्चा के लिए, संयम चर्चा के लिए, तर्कपूर्ण चर्चा के लिए। कुछ मित्रों का प्रयत्न था कि कोई चर्चा न हो, तत्काल वोट ले लिया जाए और वो यहां से निकलते ही कुर्सी पर जाकर बैठ जाए। लाइक ए चाइल्ड उधर से बैठ गए, ऐसा ही होगा जैसे आप बैठ गए। और आवाज आ रही है कांग्रेस के बेंचों से, हमारे और मित्र थोड़ा सा सावधान रहे। अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में मैंने 40 साल गुजारे, ऐसे क्षण बार बार आए। सरकारें बनी हैं, बदली हैं, नई सरकारों का गठन हुआ है, अभी बैचलर हो गया, लेकिन लोकतंत्र प्लीज डोंट मेक दिस काइंड ऑफ रिमार्क्स। नो इट्स ओके। लेकिन हर कठिन परिस्थिति में से भारत का लोकतंत्र बलशाली होकर निकला है और मुझे विश्वास है कि परीक्षा में से भी बलशाली होकर निकलेगा। मैंने 40 साल आलोचना की है, आज भी अधिकांश में आलोचना सुनना पड़ी है। मराठी में एक कहावत है, निंदका से घर असावे शेजारी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। जिन मित्रों ने वो शिकायत कर रहे हैं कौन क्या शिकायत है अध्यक्ष महोदय। जिन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया है इट्स ओके कोई, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। समता पार्टी के नेता श्री जॉर्ज फर्नांडिस, शिवसेना के नेता श्री सरपोदार, अकाली दल के नेता बरनाला जी और हरियाणा पार्टी के जयप्रकाश जी, इन सब ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। जिन्होंने आलोचना की है मैं उनकी आलोचना का उत्तर दूंगा, मगर मैं विशेष रूप से
श्री मरसोली मारान, थिरु मरसोली मारान, उनका उल्लेख करना चाहता हूं। आई हैव ए स्पेशल वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर माय डियर फ्रेंड थिरु मरसोली मारान मारन, आई स्टैंड करेक्टेड। Despite our differences on certain issues, he was generous enough to set the record straight on the issue of horse trading by stating categorically that we did not use suitcases to convert our minority into majority. He has in fact demolished the baseless and politically motivated allegation leveled by some members. I am also glad that Thiru Maran has taken note of our resolve to restore the balance of resources in favor of states. We have always held the opinion that the center cannot be strong if the states are weak. Thiru Maran is disturbed over our advocacy of one nation, one people, one culture. I am happy that he shares our perception of one nation. But I must say that he has got it all wrong on our interpretation of one people and one culture. I categorically state here that BJP does not stand for uniformity. We recognize the celebrated India's plural, multi-religious, multilingual, and multi-ethnic character. This view is best reflected in a poem by one of India's greatest poets, Subramanya Bharati. The poem is entitled "Antai," or "My Mother." Bharati says, I would like to read in Tamil. Muppadu Kodi Muhyamayalayal உயிர் மொழிபுரம் ஆந்திரால் இவர் சப்பு மொழி பதினெட்டுடையால் ஏனில் சிந்தனை ஆந்திரையா. இஸ்கா மே ஹிந்தி மே அனுவாத் கர் தூ. Thank you. This is not for the first time I read something in Tamil in my address to the United Nations. Iska Hindi anuvad is prakar hai 30 koti. Us samay desh ki abadi 30 crore thi. 30 koti mukhmandal wali hai meri maa. Ek hai uski kaya aur atma. Bhashaye wo 18 bolti hai. किंतु एक है उसका चिंतन. मित्रों, सारा अध्यक्ष महोदय, मुझे मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया. आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं. सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है. जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं. कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं. यहां श्री शरद पवार बैठे हैं. जब मेरे जसवंत मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे. वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है. मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया. मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया.
बार बार इस चर्चा में स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। नभी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ विधि होना चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? जिस जनता का हमने विश्वास अर्जित किया है, और आप इकट्ठी भीड़ न करें। मैं अलग अलग पीछे अब जब मैंने चर्चा आरंभ की थी तब इसका स्पष्टीकरण किया था। क्या यह तथ्य नहीं है कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे? अब जो और तर्क दिए जा रहे हैं मैं उन पर आऊंगा। क्या मैं राष्ट्रपति महोदय से कहता कि नहीं पहले मुझे जरा बात कर लेने दो? जब वो कह रहे हैं कि कल शपथ विधि होगी और मुझे समय दे रहे हैं 31 तारीख तक का, तो मैंने कहा कि 31 तारीख के जो समय दिया जा रहा है उसका मैं सदुपयोग करूंगा, अन्य दलों से चर्चा करूंगा, उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, एक कॉमन प्रोग्राम के आधार पर हम आगे बढ़ सकें इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या आपत्ति की बात है? इसमें कौन सा सत्ता का लोभ है? और फैसला केवल मेरा अकेला नहीं था, पार्टी का फैसला था। अध्यक्ष महोदय, आखिर जब एक बार 31 तारीख शक्ति परीक्षण के लिए तय हो गई और शक्ति परीक्षण पार्लियामेंट में ही हो सकता है, राष्ट्रपति भवन में या राजभवन में हो, यह तो इसका तो हमने कभी प्रतिपादन नहीं किया, तो सदन की बैठक बुलाना जरूरी था, सदन की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण जरूरी था। हम तो कोई और भी काम रख सकते थे, कम से कम राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने का काम तो रख ही सकते थे, लेकिन ऐसा आपने ऐसा नहीं होने दिया। और मैंने भी संदेह पैदा हो इसलिए इस बात पर जोर नहीं दिया। जल्दी से जल्दी पहला अवसर, और इसलिए 27 तारीख और 28 को आज फैसला होने जा रहा है। हम बल दे सकते थे कि नहीं, हमें 31 तक का समय दिया गया है, हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, नियत पर शक नहीं होना चाहिए। मैंने ये खेल नहीं किया है, मैं आगे भी नहीं करूंगा। लोकतंत्र एक व्यवस्था है,
अब कहा, अब गिनाया जा रहा है आपको कितने परसेंट वोट मिले। हमने जो वेस्टमिनिस्टर की पद्धति अपनाई है उसमें वोट नहीं गिने जाते, प्रतिशत नहीं देखा जाता है, उसमें सीटें देखी जाती हैं। दोनों काम साथ नहीं हो सकते। ये कोई लिस्ट पद्धति वाला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और मैं इस पद्धति के दोषों को पहले से इंगित करता रहा हूं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस दल को देश में बहुमत न हो वो दल अधिक सीटें लेने में सफल हो जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वोट ज्यादा हो और सीटें कम हो। 1% वोट से, वोट के अंतर से केरल में संयुक्त सरकार बनी, एक सरकार हट गई, 1% वोट का फर्क था। अब ये जो सीटों का अंतर है इसको मानकर चलना पड़ेगा। अब इस समय आपका, आपके वोट कितने, तो फिर मैं गिनाता हूं आपके अलग अलग वोट कितने, और वो गिनती आपके लिए घाटे की गिनती होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इकट्ठे हो रहे हैं। किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? क्या देश में स्थिर सरकार देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? जवाबदेह सरकार देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? मैं फिर उसको दोहराना नहीं चाहता, आपका अभी तक कार्यक्रम नहीं बना है। उस कार्यक्रम को लेकर आप जनता के पास नहीं गए। जिस जनादेश की आप बात कर रहे हैं, परसेंट वोट की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग प्रदेशों में मिला है, अलग अलग कारणों से मिला है। तमिलनाडु में मेरा तो कोई झगड़ा नहीं था डीएमके से, लड़ाई तो कांग्रेस से थी। और यही स्थिति आंध्र में हुई। आंध्र में हम तो लड़ाई में कहीं नहीं थे, लड़ाई हो रही थी कांग्रेस के साथ, और कहते जनाधिकार हमारे खिलाफ चला गया। ये कैसा जनाधिकार है? आप कहना, आप कहिए, आप कह रहे हैं, दबे दबे कह रहे हैं, साफ साफ कहिए, खुलकर कहिए कि हम किसी भी कीमत पर आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। ये भाषा ठीक नहीं है। इस भाषा के पीछे जो भावना है वो और भी गलत है। हिटलर का हुआ खड़ा किया जा रहा है सदन में, फासिस्ट बात पैदा हो रहा है इस तरह की। हाँ, जो पहली बार सदन में आए हैं, जिन्हें सदन की मर्यादा का भी पता नहीं है, वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मैं 40 साल से हूं पार्लियामेंट में। हम दल के रूप में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के आधार पर कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ते हैं। प्लीज प्लीज अध्यक्ष महोदय, प्लीज हैव पेशेंस टू लिसन। जनादेश कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस की संख्या आधी रह गई है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से लोगों ने अपनी राय प्रकट की है। अब सब अगर इकट्ठे आ रहे हैं और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, और कांग्रेस समर्थन देने को तैयार है। कल मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने जो कुछ कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अगर आप चाहें तो फैसला कर सकते हैं कि भाई हमने एक दूसरे को गाली दी होगी, मगर चलो छोड़ो, आज तो सबको मिलकर बीजेपी को गाली देना है। अगर ये सामूहिक निर्णय है, मुझे कुछ कहना नहीं। लेकिन इस तरह का निर्णय नकारात्मक होगा, इस तरह का निर्णय प्रतिक्रियात्मक होगा,
इस तरह का निर्णय केवल हमें आने से रोकने के लिए होगा और ये लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने वाली परंपरा नहीं डालेगा। ये आज मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। हम तो प्रतिपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूंगा। मैं पत्रकार था और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। विरोधी दल का नेता हुआ, आज प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा ऐसा नहीं हुआ, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी ऐसा आप समझ। लेकिन फिर मैं कुछ मुद्दों को उठाना चाहता हूं। मेरे हमारे फिर एक दूसरा आरोप लगाया जा रहा है, आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। आपने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है, और शादी ब्याह के समान कानून बनाने के बारे में भी जिक्र नहीं है। आपने स्वदेशी का भी परित्याग कर दिया, और ये बातें इस तरह से कही गई हैं जैसे ये बातें कहने वाले हमारे इस परित्याग से बड़े दुखी हैं। वो तो इन बातों की आलोचना करते रहे हैं, हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे, शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। हाँ सही है, कोई छुपना छुपाने की बात नहीं, बहुमत मिलने से करते हैं। आखिर हम बहुमत के लिए लड़ रहे हैं। ये है रियल फेस। कैट आउट ऑफ बैग नाउ, कैट आउट ऑफ बैग। आखिर हम बहुमत, आखिर हमें जो जनमत मिला है, अगर आपको उस जनमत ने स्वीकार कर दिया है तो हमें भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। हम तो बहुमत चाहते थे लेकिन बहुमत हमें नहीं मिला। अब हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं तो हमारा प्रयास है कि कोई आम सहमति से कोई चीज बने, कोई चीज चले, और इसीलिए हमने विवाद की बातों का उल्लेख नहीं किया। इस पर क्या आपत्ति है? अभी यूनाइटेड फ्रंट बनने जा रहा है, बहुत अच्छा बन गया तो बहुत अच्छा। अभी कार्यक्रम बनने वाला है, वो भी बन गया, तो क्या उस कार्यक्रम में मार्क्सिस्ट पार्टी की जितनी भी विचारधारा है, मार्क्सिस्ट पार्टी का जितना कार्यक्रम है, वो ज्यों का त्यों पूरे का पूरा समाविष्ट कर लिया गया है? और अगर कर लिया गया है तो मार्क्सिस्ट पार्टी फिर सरकार से दूर क्यों रह रही है? जब संयुक्त मोर्चा बनता है, जब अनेक दल निकट आते हैं, साथ आते हैं, तो फिर हरेक को कुछ ना कुछ चीज छोड़ना पड़ती है। 1977 में भी हम 370 के समर्थक, 70 को समाप्त करने के समर्थक थे, रामलाल जी पासवान बैठे। 1977 में भी हम
एटम बम बनाने के हक में थी, लेकिन हमने जब देखा कि लोकतंत्र पर संकट आया है, बाकी की सारी बातें इस समय एक तरफ रखने की जरूरत है और लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। इमरजेंसी के कारण लोकतंत्र खतरे में पड़ा था, देश एक जेल खाने में बदल गया था। हमने कहा कि मिलकर चलें और इस आने वाले अधिनायकवाद को रोकें। किसी ने हमको उस समय नहीं कहा कि आप 370 कहां छोड़ाए, किसी ने नहीं कहा और ठीक नहीं कहा। जब आप संयुक्त मोर्चा बनाएंगे तो हर एक पार्टी को थोड़ा थोड़ा अपना छोड़ना पड़ेगा, अपना थोड़े थोड़े अपने विचारों को कार्यक्रमों को अलग रखना पड़ेगा। और राष्ट्रपति ने अगर 31 तारीख तक का समय दिया तो इसीलिए दिया, राष्ट्रपति को मालूम था कि मेरा बहुमत नहीं है, लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने बुलाया और 31 तक का समय दिया और दलों से बात करो, विचार विनिमय करो, इस बात का प्रयत्न करो कि कोई स्थिर सरकार बन जाए, स्थायी सरकार बन जाए। ये और देशों में भी होता है और ये होने लगा था, इसलिए कि आपने सबसे ज्यादा टांग अड़ाई। Isolated in the country. Why don't you consider that? We are not isolated. Yes, you are. Yes. Totally isolated. हमारे समर्थन में इस समय ये बात ठीक है, हमारे साथ कोई नहीं है। और फिर जब हम कहें कि हमारे साथ अकाली दल है जो अभी चुनाव जीत कर आया है, he is not pro BJP, he is anti Congress. That is why he is. You are pro Congress. Pro Congress. What the Honorable Prime Minister is saying all the time, as if Please. It was our solemn obligation to keep him in power. That is what we have been trying to find out from yesterday. If the majority of the members are not supporting you, is it the fault of the members? Other members who are not supporting you? I have got my own perception. I have got my own policies and programs. He is all the time accusing others as if we are entering into some combination. Does that justify him to remain in power without having the majority? Is this the way you are talking? कल से मैं आलोचना सुन रहा हूं और जरा सी आलोचना इनसे सहन नहीं हो रही है। अगर मतदाता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया तो क्या मेरा दोष है? और हमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम करने का अवसर दिया क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते थे, ये भी हमारा दोष है? मेजॉरिटी आचार्य प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कल उसका उल्लेख किया था, किस तरह से सीटें घटी हैं, किस तरह से वोट घटे, वो बात अलग है। कम बैक टू पावर विथ 2/3 मेजॉरिटी, डोंट फॉरगेट, फॉर द फिफ्थ टाइम। आई थिंक इट्स ओके मिस्टर चटर्जी, प्लीज लेट द प्राइम मिनिस्टर स्पीक। अध्यक्ष महोदय, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अरे आप साफ हो जाओगे भाई, प्लीज। कि जो दल अलग अलग चुनाव लड़े थे, जो दल अलग अलग चुनाव लड़े थे, एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, वो अब साथ आने के बाद ये कह रहे हैं
कि मैंडेट मिला है बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ी और उसके लिए 82% लोगों ने वोट दिया है। ये विचित्र तर्क दिया जा रहा है। आप यूनाइट कर चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे सामने नहीं। अरे आए बस तो आप क्यों बांधता है दो What is that you propose? आप तो आ जाओ Have some patience. Let the Prime Minister continue. Please continue. मगर इतनी चर्चा चली, पहले तो आप चर्चा ही नहीं चाहते थे और चर्चा चली तो सदस्यों ने रुचि ली और अच्छी बहस हुई और निर्णय का वक्त आ जाएगा, आ गया। अभी भी आपको परेशानी हो रही है इतनी जल्दी सत्ता में जाने की? मुझे वो दिन याद है जब जनता पार्टी को तोड़कर आप चौधरी चरण सिंह जी को साउथ ब्लॉक ले गए थे और उनकी कुर्सी के पीछे खड़े होकर आपने फोटो खींचा। Please sit down. Let the Prime Minister continue. Please. अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना बहुमत बनाने के लिए जो समय मिला था मैंने उसका उपयोग किया। मैंने अनेक दलों से अलग अलग बातें की। कुछ दल हमारे साथ आए हैं, कुछ दलों ने अपनी कठिनाई प्रकट की है। कुछ दलों का कहना है कि आपके साथ आने में हमें एक ही आपत्ति है कि हमारे कुछ वोट जाने का खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के कारण अगर वोट जाते हैं मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हर राजनीतिक दल को वोटों की चिंता करनी है, मगर ये वोटों का खेल किस सीमा तक जाएगा, किस हद तक जाएगा? क्या इसके सामने देश हितों की उपेक्षा कर दी जाएगी? हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं कि उन्हें पूरा संरक्षण मिलना चाहिए, बराबर का अवसर मिलना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, तो हमें कहा जाता है कि हम जो कुछ कहते हैं उस पर आचरण नहीं करते। आखिर सदन में बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है, जिन प्रदेशों में हमारी सरकारें मिली है बनी है वहां आचरण हो सकता है। और आप हमें केंद्र में समय देकर देखो और हम सारी बातें अमल में लाकर दिखा देंगे। मगर ये मेरी समझ में नहीं आया कि जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसकी तो चिंता है, मगर जो 2% है, अभी बरनाला जी का दर्द आपने सुना, उसकी पीड़ा नहीं? अध्यक्ष महोदय, मुझे वो दिन याद है दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के कत्लेआम के बाद मेरा भी भाजपा का एक कार्यकर्ता मुझसे रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया। मैं उसको पहचान नहीं सका क्योंकि उसको
उसके बाल कटे हुए थे, उसके केश कटे हुए थे, दाढ़ी कटी हुई, केश कटे हुए थे। मैंने कहा तुम वही हो, तुमने ये क्या रूप बनाया, रात में क्यों आए हो, चुप कर क्यों आए हो, चोरी छिपे क्यों आए हो। कहा मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता, मैं केश धारण करके बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है, मैंने दाढ़ी को दाढ़ी से भी मुक्ति मांग ली है, और मैं रात को आया हूं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा रोने के लिए। उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी, चुनाव में हमें घाटा हुआ, सिख विरोधी भावना भड़काकर कांग्रेस ने सत्ता हथिया, हमने ऐसा पाप कभी नहीं किया। दोनों गलत है, मगर आप सिखों पर हुए अत्याचार की निंदा नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, नहीं दस साल बहुत बार, बार किया है, हाउस में किया है, कितने बार किए हैं, हाउस में कभी भी सारे अपराधी पकड़े नहीं गए। नंबर ऑफ टाइम्स वी रेज दिस इश्यू, व्हाई इज मेकिंग सच एलिगेशन। मुलायम जी मेरे मित्र, नहीं मेरे मित्र, वही आज भाजपा ही बनकर के प्लीज, और उन्होंने सिखों को लखनऊ में लूटा, या वही एमपी में बुला रहे, हम नाम बता रहे हैं, प्लीज सिट डाउन, प्लीज प्लीज सिट डाउन। चलो मेरे मित्र श्री मुलायम सिंह जी, इस मामले में न बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। उनके शासनकाल में प्लीज सिट डाउन, उनके शासनकाल जिस तरह से उत्तरांचल की मांग करने वाली महिलाओं के साथ जो दिल्ली प्रदर्शन के लिए आना चाहती थी, बलात्कार हुआ, जो कोर्ट ने जिसकी पुष्टि कर दी है, उसके बाद मुलायम सिंह No. सभी मित्र कल से लेकर आज तक बोलते रहे, अब मेरी बारी आई है तो ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। और अगर संख्या बल के आधार पर ये करने का प्रयास करेंगे तो हमें सदन के बाहर ये विचारों की लड़ाई ले जाना पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर प्लीज जहां से मैंने आरंभ किया था, वहां अपने भाषण को ले जाना चाहता हूं। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो,
देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या ये आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया? ये चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी, मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। ये कटुता बढ़ना नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता यूनाइटेड फ्रंट ने श्री देवेगौड़ा को किस आधार पर अपना चौथे नंबर का नेता चुना है। वो यूनाइटेड फ्रंट की फर्स्ट चॉइस नहीं थे, वो तो फोर्थ चॉइस थे, मगर जो इनकी फोर्थ चॉइस थे अब वो देश की फर्स्ट चॉइस होने वाले हैं। मैं समझ सकता था नहीं, और उसका कारण यह है अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस चर्चा में ऐसे संगठनों का नाम लिया गया, उन्हें यहां घसीटने की कोशिश की गई, जो स्वतंत्र संगठन है, जो अपने राष्ट्र निर्माण में चर्च निर्माण के काम में लगे। मेरा इरादा, मेरा उल्लेख आरएसएस से है। आरएसएस के विचारों से किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन आरएसएस पर जिस तरह के आरोप लगाए गए उन तरह के आरोपों की कोई आवश्यकता नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी में और दलों में भी आरएसएस के रचनात्मक काम के लिए लोगों के दिलों में आदर है, सहयोग है। अगर वो दुखियों की बस्ती में जाकर काम करते हैं, अगर वो जाकर आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रसार करते हैं, तो इसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए, इसलिए उनको पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, और यूनाइटेड फ्रंट में भी आप जिन्हें नेता बनाने जा रहे हैं श्री देवेगौड़ा जी, वो भी आरएसएस की अच्छाइयों से परिचित हैं और आरएसएस की प्रशंसा कर चुके हैं। अभी आरएसएस की 20th एनिवर्सरी हुई थी, आरएसएस की ओर से समर्थन के लिए अध्यक्ष महोदय, अब देवे chair no mas
अरे क्या हो रहा है? कल मंत्रिमंडल बन जाए आज खड़े होते हैं साथ में। मैं अपने दल के सदस्यों से कहना चाहता हूं। हो गया भाई, हो गया। Enough, enough. No, it's enough. Enough. एक और था जिसमें हमारे दलित कितने थे, ये नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर प्लीज। मेरे मित्रों को समझना चाहिए कि मैं भी निर्वाचित होकर आया हूं। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं सबसे बड़ी पार्टी के नेता के नाते राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ हूं। प्रधानमंत्री के निर्देश के कारण और निर्देश के आधार पर मैं विश्वास मत लेकर आया हूं राष्ट्रपति। अब अगर चर्चा होती है और उसमें बिजू पटनायक जैसा वरिष्ठ नेता मुझे टोकता है, प्लीज 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 मिस्टर पटनायक, यू डोंट हैव टू रिएक्ट फॉर एवरीथिंग। मिस्टर पटनायक, यू आर द सीनियर मोस्ट, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स ऑफ द कंट्री। प्लीज, यू डोंट हैव टू रिएक्ट फॉर एवरीथिंग। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का उल्लेख कर रहा था कि इस देश में जो देशभक्त हैं, विवेकवान हैं और जो अंतकरण से भारत का भला चाहते हैं, वो आरएसएस और जो आरएसएस के संपर्क में आए वो जानते हैं कि संगठन देश हित की सेवा के लिए समर्पित है। और अभी और मैं इसका ताजा उदाहरण देता हूं। मैं इस बात का उल्लेख नहीं कर रहा कि चीनी आक्रमण के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में रिपब्लिक परेड के दौरान जिन स्वयंसेवी संगठनों को अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए बुलाया गया था उनमें आरएसएस भी था। स्वर्गीय उसमें कम्युनिस्ट नहीं थे, कम्युनिस्ट तो क्या भूमिका अदा कर रहे थे मैं कहना नहीं चाहता। श्री लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में वो भी भारत के प्रधानमंत्री थे, लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, जब देश पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई और उन्हें दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए और ऐसे शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी तो आरएसएस के स्वयंसेवक या कंट्रोल करते थे, ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। किसी ने उन पर आपत्ति नहीं की। अभी एमरजेंसी के खिलाफ अभी बेंगलोर में एक सम्मेलन हुआ था और जिसको संज्ञा दी गई थी सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल की, और उसमें श्री देवेगौड़ा उपस्थित थे। उन्होंने जो भाषण दिया उसका अंश मेरे पास है, मैं कोट कर रहा हूं। आरएसएस इज ए स्पॉटलेस ऑर्गेनाइजेशन। इन माई 40 इयर्स, वो तो देवेगौड़ा जी तो यहां है नहीं,
Speaker, sir. Allow the Prime Minister to speak. Allow the Prime Minister to put forth the facts. Why don't you take out your rule book? Why don't you take out your procedure of this? Any member in this house has every right to quote any document provided. And you were quoting previously. Just a moment, let me finish. Let me finish, right? Mr. Speaker, sir, but without any document, before authentication and before your prior permission, and that too, if any person is absent about him, nothing should be made public because he has no right to reply to this house, sir. Therefore, the Honorable Prime Minister, who was telling the he is having 40 years. Come on, under what rules? So he is quoting one document. Your point of order is under what rules? I said already. Come on. Under rule 115, sir, the member which is once misquoting and directing this and unnecessarily making this allegation against Mr. Dabegowda, having no evidence, and the record is absolutely false and fabricated. Absolutely false and fabricated. He is trying to malign Mr. Dabegowda in a manner that he is trying to make confusion among the United Front. That is his intent. That is his intent. And the British Prime Minister could not know that he was talking below today. He is going to be going to Bali Bay. Sir, it has appeared. But again, I'm going to several newspapers in Bangalore. We can authenticate the statement of Dabegowda where he said about RSS, Nishkalanka Charitrena Dabegowda. I can give you Kannad Prabha to Indian Express. Mr. Speaker, sir. And it is authenticated. It is not a newspaper. What is happening in it? What is happening in it? What is happening in it? Speaker, sir, it's got published in almost all the newspapers of Karnataka. Sir, he's finished. I will allow you. I will allow you. One by one, please. One by one. One by one. Mr. Ahmed, I will come to you. I will come to you. Listen. Speaker, sir, what happened to your ears? Do you have ears? Have you got ears or not? Yes. Come on. Sit down. I have given him the permission to speak first. Sir, I draw your attention to Rule 353. No allegation of a deformity or injury. It is not an allegation made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the speaker and also to the minister concerned so that the minister may be able to make an. No, not only minister, members also. Members also. Members also. Members also. Only quoting the rules. Members,
To be decided, you know. I think it will be. I don't like to give a final ruling on that. If the Prime Minister can avoid it at the moment, yes. I'm sorry. Did you allow me to? Yeah, Prime Minister. Just more than. मैं बेंगलोर में आयोजित एक समारोह का उल्लेख कर रहा हूँ. जिस समारोह में अन्य लोगों के अलावा श्री देवेगौड़ा उपस्थित थे, वो एमरजेंसी के खिलाफ आयोजित समारोह था. वो उस समारोह की तारीख है 26 जून 1995. अगर श्री देवेगौड़ा का बयान गलत होता, अगर जो अखबार में छपा है, और क्या सब अखबारों में गलत बयान छपता? आप सुनिए. प्लीज अध्यक्ष महोदय, इस बयान का कोई खंडन नहीं आया. श्री देवेगौड़ा अगर इस बयान को गलत समझते, अगर ये मिस रिपोर्ट हुआ है, तो खंडन भेज सकते थे, क्लेरिफिकेशन भेज सकते थे. ऐसा तो उन्होंने नहीं किया. अब अध्यक्ष महोदय, now the honorable member Mrs. Jena is now on record. Please. अरे सुनो भाई, क्या आप लोग क्या बात कर रहा है? We have the audio and video cassette of that program. What he's saying, I'm ready to submit to the House. The audio and video cassette of the program. When are we going to say it? We have audio and video cassette. What he's talking about? Yes, we are going to. He's misleading the House. I can give you the audio and video cassette of the program. I'm about to
can view the audio and video. हमने प्रोग्राम किया है, ये ऑर्गेनाइजर प्रोग्राम ही कैन कॉल आउट दिस आई हैव द ऑडियो एंड वीडियो कैसेट एंड इन डिबेट कर I modify my statement. The honorable member who is quoting, if he is willing to authenticate, it can be quoted. Mr. Speaker, sir. No. 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 Will you kindly hear me for 2 minutes? I have allowed the Prime Minister to quote it. Yes. He can quote. And he is doing it as a right, not by promotion of anyone. He is reading this document as a matter of right, not as a matter of grace from anybody. I have allowed you, sir, to quote. How much time is left? I am not responsible for this. I am sorry. I must have my say. मैं यहाँ किसी की कृपा से नहीं आया हूँ और किसी कृपा से नहीं बोलूंगा. इस चर्चा में आरएसएस का नाम मैंने नहीं लिया. इस चर्चा में आरएसएस का नाम कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता ने लिया. उन्होंने आरएसएस के साथ हमारे संबंधों का भी निरूपण किया. अब आरएसएस के बारे में
क्या राय है, और अगर श्री देवेगौड़ा जैसे व्यक्ति की राय है तो ये अभी तक क्या हुआ था? अध्यक्ष महोदय, और ये एक और बीच में ये कहा गया कि ये गलत है, और उस समय मैंने निवेदन किया कि 26 जून 1995 का फंक्शन है, 1995 का, 1977 के बारे में। Please, let the Prime Minister speak. You must have confidence in your Prime Minister. अध्यक्ष महोदय, आरएसएस ये देवेगौड़ा ने जो कुछ कहा वो इस प्रकार है। आरएसएस इज ए स्पॉटलेस ऑर्गेनाइजेशन। इन माई 40 years लॉन्ग पोलिटिकल लाइफ नॉट इवन वंस आई हैव क्रिटिसाइज आरएसएस। द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ही इज टेलिंग दिस विथ अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। He said that he has no two opinions regarding RSS active role during emergency. People who were with Mrs. Gandhi during emergency, who praised her, who appreciated emergency, they are today with us and enjoying power. But RSS is the only organization without any black spot. Others have wavered this or that way, Shri Gowda said. Adhyaksh Mahoday, ये मैं देवेगौड़ा की निंदा के लिए नहीं कह रहा हूं। देवेगौड़ा ने RSS का मूल्यांकन किया, सही मूल्यांकन किया, इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। और आप चाहते हैं कि उनकी प्रशंसा भी सदन में न सुनी जाए? और किसी एक अखबार में नहीं छपा, तमाम अखबारों में छपा। और जैसा मैंने कहा उस समय किसी ने खंडन नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, एक बात और इस चर्चा में कही गई जिसका मैं उत्तर देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं है। काउ बेल्ट, आई डोंट नो वेयर ये काउ बेल्ट है। काउ बेल्ट का समर्थन है जो 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 काउ बेल्ट जिससे कहा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लेखित करना, किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हरियाणा में हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है। और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है। अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर 10% वोट की बात करिए। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टी और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है,
ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल कास्ट के टोटल मेंबर्स हैं 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी के चुने गए। सीपीआईएम के 5 मेंबर हैं, सीपीआई 1 मेंबर है, कांग्रेस 15 मेंबर है, जनता दल 7 मेंबर है और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर है। एसटीसी में भी, शेड्यूल ट्राइब में भी टोटल नंबर ऑफ सीट इज 41, बीजेपी 11। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है। और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे, हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं।